एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की जो मेरी वीडियो है स्पेशल फॉर पेरेंट्स, आज की मेरी वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और अभी इतने छोटे हैं कि उनको मोबाइल ठीक से चलाना नहीं आता, या फिर जब भी स्कूल से कोई मैसेज आता है या कॉल आती है कि आप गूगल मीट पर मीटिंग अटेंड कीजिए, बच्चे को क्लास लेने के लिए बोलिए, जब आपके पास इस तरह की कॉल आती है तो आप सोचते होंगे कि बच्चे को इतनी जल्दी मीट कैसे सिखाया जाए या फिर गूगल मीट की क्लास कैसे ली जाए। उसके साथ साथ कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनको खुद गूगल मीट चलाना नहीं आता है। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मोबाइल में इंटरेस्ट नहीं रखते या फिर टेक्नोलॉजी में कम जानते हैं, उनको गूगल मीट चलाना नहीं आता है। आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है। तो देखिए, बहुत ही आसान है। इसके लिए आपके मोबाइल में एक जीमेल आईडी और दो एप्लीकेशन का होना जरूरी है, केवल दो एप्लीकेशन होनी चाहिए। देखिए, जैसा आपको पता है कि आप व्हाट्सएप आप यूज करते ही हैं, पहली एप्लीकेशन। अगर आप यूज नहीं करते हैं तो अपने मोबाइल में व्हाट्सएप डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी एप्लीकेशन आपकी गूगल मीट है, जो कि प्ले स्टोर पर मिल जाती है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको प्ले स्टोर से नहीं मिल रही है तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से गूगल मीट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपके लिए भी है, प्लस जिनको आप देखते हैं कि उनके बच्चे गूगल मीट पर क्लास नहीं ले पा रहे हैं, मतलब उनको इतना नहीं आता है कि वो गूगल मीट पर क्लास ले सकें, आप उनके लिए भी मेरी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उनको भी ये वीडियो दिखा सकते हैं और डेफिनेटली वो गूगल मीट पर क्लास लेना सीख जाएंगे। क्योंकि दो तीन ऑप्शन है, वो दो तीन ऑप्शन मैंने इसमें बड़े आसान तरीके से बताए हैं कि किस तरीके से आप गूगल मीट का उपयोग कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं भविष्य में अपलोड करूं वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो मैं शुरू करता हूं वीडियो और बताता हूं कि जो पेरेंट्स हैं वो गूगल मीट को कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे करें अपने मोबाइल में गूगल मीट डाउनलोड। देखिए, जिस तरीके से एप्लीकेशन होती हैं, इसी तरीके से आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में इस तरीके से बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं, इन्हीं में से एक है आपका प्ले स्टोर। ये रहा आपका प्ले स्टोर, आपको ये प्ले स्टोर ढूंढना है, और इसको ढूंढने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। प्ले स्टोर पर इस तरीके का ऑप्शन आएगा आपके पास, इस तरीके का ऑप्शन आएगा आपके पास। यहाँ पर आप मीट लिख देंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि गूगल मीट लिखा हुआ आपके पास आ गया है। अब इस पर ओके करेंगे आप, गूगल मीट जहाँ पर लिखा हुआ है, ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर एक इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा आपको। ये देखिए, ये इंस्टॉल का ऑप्शन है। इंस्टॉल के ऑप्शन पर आप ओके कर दीजिएगा, उंगली से टच कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा समय लेगा ये, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी एप्लीकेशन है। थोड़ी देर आप इंतज़ार करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये गूगल मीट एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो गई है, और यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे कि ओपन का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है। ये देखिए, ये ओपन लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे ओपन पर, और ओपन पर क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आप इसको किसी भी एक आईडी से एप्लीकेशन चला सकते हैं। इसके लिए ध्यान रखें, आपके पास ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है। ईमेल आईडी, क्योंकि जब भी आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये ईमेल आईडी मांगेगा, और उसी के अनुसार आपका नाम, आपके बच्चे के स्कूल के जो क्लास टीचर हैं या टीचर हैं उनके पास जाएगा। और इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूं। अब देखिए, इस तरीके से मांगेगा ये कि किस क्या अलाउ करें, वाइल यूजिंग द ऐप ओनली दिस टाइम, या डिने, डिने मतलब मना कर दें, तो वाइल यूजिंग द ऐप कर देंगे आप इसको, और अलाउ मी टू रिकॉर्ड ऑडियो, इसको भी वाइल यूजिंग द ऐप कर देंगे।
अब देखिए यहाँ पर मैंने एक ईमेल आईडी से लॉगिन कर लिया है, अब आपके मोबाइल में गूगल मीट इंस्टॉल हो गया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है ज्वाइन विद ए कोड, ज्वाइन विद ए कोड। देखिए जब भी आपके पास व्हाट्सएप पर एक लिंक आएगा तो उसमें एक कोड आएगा, आप उससे ज्वाइन कर लो। अगर उससे ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो मैं आपको इससे भी आसान एक तरीका बताता हूँ। अगर ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी नहीं आती है तो आप ये किसी और से भी इंस्टॉल करा सकते हैं। उसके बाद जो आपके बच्चे के पास जो लिंक आएगा, आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए जो लिंक आएगा, क्लास के लिए जो लिंक आएगा, बस उसको खोलना आपको आना चाहिए, जो कि बहुत ही बेहद आसान है। मैं उसको बहुत आसान तरीके से अभी आपको बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये है मेरा मोबाइल, और जब भी किसी बच्चे के कक्षा अध्यापक गूगल मीट पे मीटिंग करने के लिए बोलते हैं तो वो एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं। आपको पता होगा कि बार बार टीचर्स ने बोला है कि आप अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप डाउनलोड कीजिए, ईमेल आईडी बनाइए और गूगल मीट, ये तीन चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं आपके मोबाइल पर। तो देखिए जब भी आपके क्लास टीचर कोई गूगल मीटिंग ले रहे होंगे तो उन्होंने आपको व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा हुआ होगा। देखिए यहाँ पर मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ और ये देखिए ये है व्हाट्सएप, ये ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर व्हाट्सएप है और मैं इस व्हाट्सएप को खोलता हूँ। अब यहाँ पर एक मीटिंग का लिंक भेजा हुआ है जो कि आपके स्कूल में ग्रुप बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर मीटिंग का लिंक है, आप ठीक से देख लीजिए, मीटिंग यूआरएल, ये मीटिंग खोल दिया और यहाँ पर देखिए मीट लिखा हुआ आ रहा है, इस पर ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपके मोबाइल में आईडी डली हुई होती हैं, अगर एक है तो आप उस आईडी को सेलेक्ट करेंगे, और ये मैंने आईडी सेलेक्ट कर दी। अब देखिए गूगल मीट हो गया और यहाँ पर आ रहा है ज्वाइन, ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद जब आप देखिए ज्वाइन हो जाएंगे, ये देखिए ये मीटिंग ज्वाइन हो गई है और आपके कक्षा अध्यापक की फ़ोटो इसमें आप देख पाएंगे इस तरीके से। देखिए जैसा इसमें दिखाई दे रही है फ़ोटो, इसी प्रकार से आप कक्षा अध्यापक की फ़ोटो आपके मोबाइल पर आ जाएगी, या फिर आपके कक्षा अध्यापक कुछ भी पढ़ा रहे होंगे बच्चों के, उनकी फ़ोटो, किताब की फ़ोटो, कुछ भी उस पर हो सकती है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की फ़ोटो टीचर को ना दिखाई दे, तो देखिए यहाँ पर ये कैमरे का बटन है, इसको वाइट कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की आवाज़ टीचर को ना जाए, तो ये माइक का बटन है, देखिए जब माइक का बटन दबा देंगे आप, यहाँ पर उंगली रख देंगे तो आपकी आवाज़ जानी बंद हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से मीटिंग चालू रहती है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो छोटी फ़ोटो आती है वो आपके बच्चे की है, जो बच्चा आपका क्लास ले रहा है, और जो बड़ी वाली फ़ोटो आ रही है ये जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी फ़ोटो होती है। अब आप देखिए चाहते हैं कि वीडियो जाए तो इसको ऐसे कर दीजिए, वाइट वाइट मार्क हटा दीजिए यहाँ से वीडियो से, और अगर आप चाहते हैं आवाज़ जाए तो यहाँ से भी वाइट मार्क हटा दीजिए, आवाज़ जाने लगेगी। आप चाहते हैं नहीं जानी तो दोबारा इसको देखिए कैमरे पर रखेंगे तो फ़ोटो जानी बंद हो जाती है, और अगर माइक पर उंगली रखेंगे इसको वाइट कर देंगे तो यहाँ से आपके बच्चे की आवाज़ टीचर को जानी बंद हो जाती है। आप सुनते रहेंगे, आपका ना तो वीडियो जाएगा ना ही आवाज़ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दोनों आवाज़ और वीडियो दोनों जाए तो दोनों को यहाँ से वाइट कलर हटा दीजिए, दोनों चालू हो जाएंगे। तो पेरेंट्स इस तरीके से आप कर सकते हैं अपने बच्चों की गूगल मीट पर स्कूल टीचर के साथ मीटिंग स्टार्ट। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आपको समझ में आया है कि गूगल मीट का इस्तेमाल कैसे होगा, तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
और साथ में जो बेल आइकन दिया गया उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो जल्द से जल्द आपको पहुंच जाए और आपके लिए भी फायदा हो, साथ में आप भी और जो व्यक्ति हैं जो नहीं जानते हैं उनको भी इससे फायदा हो। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।